बैराड़ के मुख्य बाजार में राहगीरों पर गिरा बिजली का तार, दो लोग झुलसे, मची अफरा तफरी। शिवपुरी जिले के बैराड़ कस्बे में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। जहां बुधवार की सुबह बुखे बाजार राम जानकी मंदिर के पास धर्मशाला रोड पर बिजली का तार टूटकर रास्ते से गुजर रहे लोगों के ऊपर गिर पड़ा। इस हादसे में दो लोग बुरी तरह से झुलस गए। मुख्य बाजार में अचानक से बिजली का तार टूटकर लोगों के ऊपर गिरने से अफरा तफरी मच गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल लोगों को बैराड़ नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ उपचार के बाद फिलहाल घायल लोगों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सुनिए क्या कहा इस हादसे के संबंध में बैराड़ के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राम दुलारे यादव ने। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। करंट लगा है, क्या कुछ मामला है पूरा? ये करंट लगा है, ये विद्युत विभाग की घोर लापरवाही से लगा है। इस पुराने थाना रोड की तरफ को ये लाइन गई है, महीने में चार बार फॉल्ट होती है, लोगों के ऊपर गिरती है। सब इंजीनियर को कई बार बताया गया है, डी को ए को बताया गया है, लेकिन वो लोग पल्ला झाड़ते हैं कि मेरे पास केबिल नहीं है। इनके पास केबिल नहीं है तो लाइट बंद कर देना चाहिए, बिल इनको लेना बंद कर देना चाहिए। ये घोर लापरवाही है। हम जनता की तरफ से मांग करते हैं कि डी और जेई पर FIR हो, जिससे इन लोगों को और क्षेत्र के लोगों को राहत मिले, नई केबिल गिरे। जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, FIR नहीं होगी, ये विद्युत विभाग के लापरवाह अधिकारी ये कभी जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं होते, न दुख दर्द की इनको चिंता रहती है। मैं मांग करता हूं कि इन दोनों पर FIR की जाए। तो ये कितने लोगों की करंट लगा है? ये दो लोगों का लगा है। एक हमारे रामनिवास शर्मा हैं हुलपुर वाले, जो हमारे एक शिक्षक हैं अशोक शर्मा पिपरौदा वाले, जो मोटरसाइकिल से उसके नीचे से निकल रहे थे, आग लग के विस्फोट होके एकदम केबिल इनके ऊपर गिरी। इनके दांतों में चोट है, दोनों लोगों के पैरों में चोट है और हार्ड पर काफ़ी असर है। हॉस्पिटल में भर्ती हैं, यहाँ डॉक्टर की देख रेख में उनका इलाज चल रहा है। बड़ा गंभीर मामला है। हम मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो बैराड़ में लगभग ऐसे हादसे कंटिन्यूस होते रहते हैं, ज़्यादातर होते हैं, और विद्युत विभाग के अधिकारी ये पल्ला झाड़ देते हैं कि हमारे पास केबल नहीं है, हमारे पास नट नहीं है, हमारे पास बोल्ट नहीं है, हमारे पास खम्मा नहीं है। तो ये विभाग क्यों है? अरे भाई, इसकी व्यवस्थाएं हैं, नहीं है तो आप इस पर लोन लो, व्यवस्था करो, अधिकार ऊपर से सेंक्शन लो। ये जवाब इनका अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, कानूनी नहीं है कि हमारे पास केबिल नहीं है या नट नहीं है या पोल नहीं है। ये कहना इनका गलत है। ये व्यवस्थाएं विद्युत विभाग को करना है, अब कैसे करना है ये विभाग की जिम्मेदारी है।